हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के इस मजेदार वीडियो में, जहां पर हम मोनोपोली के एक इंटरेस्टिंग खेल के द्वारा सीखने वाले हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि शेयर बाजार में कोई स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड। तो आइए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर मोनोपोली की दो टिकट्स नजर आ रही होंगी। एक टिकट से मैं जवेरी बाजार खरीद सकती हूँ और एक से भिंडी बाजार। जवेरी बाजार खरीदने के लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे और यहाँ से मुझे 1,000 रुपए की इनकम एक्सपेक्टेड है, जबकि भिंडी बाजार खरीदने के लिए मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ से मुझे 4,000 रुपए की इनकम एक्सपेक्टेड है। तो आपके हिसाब से मुझे इन दो प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? कन्फ्यूज्ड? आप सोच रहे होंगे कि दोनों प्रॉपर्टीज के प्राइजेस अलग अलग हैं, वहां से होने वाली कमाई भी अलग अलग है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी? घबराइए नहीं, इसका जवाब है इन दोनों प्रॉपर्टीज के प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई रेशियो में। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, आपको प्रॉपर्टीज के प्राइस को वहां से होने वाली कमाई यानी अर्निंग से डिवाइड करना है। तो जवेरी बाजार के केस में इट वुड बी 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो उसका पीई रेशियो आएगा 5। और भिंडी बाजार के केस में इट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो यहाँ पे पीई रेशियो आएगा 2.5। अब आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि जवेरी बाजार का पीई रेशियो भिंडी बाजार के पीई रेशियो से दुगना है या ज्यादा है, इसीलिए जवेरी बाजार की प्रॉपर्टी या कार्ड एक ओवर प्राइस्ड, एक ओवर वैल्यूड या एक महंगी प्रॉपर्टी है, जबकि भिंडी बाजार एक सस्ती या एक अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है शेयर बाजार में। तो आइए अब देखते हैं कि शेयर बाजार में पीई रेशियो कैसे काम करता है। मुझे बताइए, आप जब कभी भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप क्या खरीद रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो क्या इसका मतलब है कि आपको मुकेश अंबानी ने एंटीलिया में एक स्क्वायर फीट दे दिया? जी नहीं, आप जब कभी भी कोई शेयर खरीदते हो तो आप किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स है ना, उनकी जो कमाई है, उसमें एक हिस्सेदारी खरीद रहे हो, जिसे कि अर्निंग्स पर शेयर भी कहा जाता है। अब ये हिस्सेदारी खरीदने के लिए आप उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस पे करते हो। तो पी रेशियो आपको इन दोनों चीजों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो आइडियली पी रेशियो से आपको ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी की कमाई के लिए, उसके अर्निंग्स के लिए आप कितने टाइम्स पैसा दे रहे हो। अब जितने ज्यादा टाइम्स आप पैसा दोगे, उतना ही ज्यादा वो स्टॉक ओवर प्राइस्ड या महंगा लगने लग जाता है। पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पी रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब करंट मार्केट प्राइस तो हमें पता है, किसी भी शेयर का बाजार में जो भाव है, लेकिन ये अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? अब मुझे बताइए, मेरी एक कंपनी है दीपिका खुड़े लिमिटेड। इस साल टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड सब भरने के बाद मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि मेरा पैट था 100 रुपए और मार्केट में मेरे 10 आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। अर्निंग्स पर शेयर यानी प्रति शेयर के पीछे की कमाई कितनी हुई? तो 100 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 10। तो पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो करंट मार्केट प्राइस और दूसरा अर्निंग्स पर शेयर। आइए अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस है 2,086 रुपीज, उसका अर्निंग्स पर शेयर है 77.50। तो रिलायंस का पी रेशियो हुआ 2,086 divided by 77.50, which is 26.91, या round off कर लेते हैं 27 पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि Reliance के earnings per share को पाने के लिए आप 27 times, जी हाँ 27 बार cost अदा कर रहे हो। अब P ratio का और एक काफी interesting explanation भी है। P ratio is the number of years, यानी P ratio उतने साल है जितना टाइम आपको लगने वाला है किसी भी कंपनी से अपना कॉस्ट प्राइस वसूलने के लिए। क्या कह रही हूँ मैं? स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अर्निंग्स पर शेयर है 77.50 रुपीज, मतलब पहले साल आप 77.50 रुपीज कमाएंगे, दूसरे साल भी आप 77.50 रुपीज कमाएंगे। ऐसा करते करते आपका जो कॉस्ट प्राइस है 2,086 रुपीज, वो आप कौन से साल में वापस कमा लेंगे रिलायंस से? तो उसके 27th ईयर पे। तो देखा आपने, पी रेशियो के दो इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहला, पी रेशियो इज द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने गुना आप किसी भी कंपनी के अर्निंग्स के लिए पैसा दे रहे हो। इट कैन ऑल्सो बी कितने साल में आपको अपना कॉस्ट प्राइस रिटर्न आने वाला है। अब पी रेशियो सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता,
पी रेशो के भी तीन टाइप्स होते हैं जो हम जानेंगे इस अगले सेक्शन में। आइए अब देखते हैं कि पी रेशो के तीन मेन टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो, जिसे TTMPE भी कहा जाता है। अब ट्रेलिंग यानी पिछले 12 महीने, तो ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो आज से पिछले यानी गुजरे हुए 12 महीने के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट्स पे बेस्ड होता है। इसीलिए ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो ज्यादा रिलायबल होता है और मोस्ट एनालिस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो को ही कंसिडर करते हैं। दूसरे टाइप का पी रेशो होता है फॉरवर्ड पी रेशो। फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर, तो फॉरवर्ड पी रेशो आने वाले 12 महीने के डेटा के हिसाब से कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि ये एक अजम्पशन पे बेस्ड होता है, इसीलिए ये इतना रिलायबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि रिलायंस 5% से ग्रो करे, लेकिन शायद रिलायंस 2% से ही ग्रो करे, या मे बी 20% से ग्रो करे। तो इसीलिए फॉरवर्ड पी रेशियो इतना रिलायबल नहीं होता और ज्यादातर एनालिस्ट इसे यूज नहीं करते। तीसरे टाइप का पी रेशियो है जस्टिफाइड पी रेशियो। अब जस्टिफाइड पी रेशियो क्या कहता है कि देखिए, एक कंपनी आपको अर्निंग्स पर शेयर के अलावा डिविडेंड्स भी तो पे करती है, तो आपको वो भी इंक्लूड करना चाहिए एज अर्निंग्स। तो जस्टिफाइड पी रेशियो कंपनी के दिए हुए डिविडेंड्स को भी कंसिडर करता है। अब जस्टिफाइड पी रेशियो और फॉरवर्ड पी रेशियो का एक रिलेशनशिप है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपका जस्टिफाइड पी रेशियो आपके फॉरवर्ड पी रेशियो से ज्यादा है, तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड या एक सस्ता स्टॉक है। अगर आपका जस्टिफाइड पी रेशियो फॉरवर्ड पी रेशियो से कम है, तो वो एक स्टॉक ओवर वैल्यूड स्टॉक है या एक महंगा स्टॉक है। और अगर आपका जस्टिफाइड पी रेशियो फॉरवर्ड पी रेशियो के इक्वल है, तो वो स्टॉक फेयरली प्राइस स्टॉक है। तो ये थे पी रेशियो के तीन मेन टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको समझाया, मोस्ट यूज होता है ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, और यही ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो को यूज करके हम जानने वाले हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि शेयर बाजार में कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा। कब? हमारे अगले स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। तो अब तक हमने देखा कि पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, और पी रेशियो के तीन मेन टाइप्स कौन से हैं। आइए अब मेन सवाल पे चलते हैं कि आप पी रेशियो स्टॉक एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप भारत के 10 बड़े कंपनीज के पी रेशियो देख सकते हैं। TCS का पी रेशियो है 37, इंफोसिस का पी रेशियो है 34.7, ITC का पी रेशियो है 19, HUL का पी रेशियो है 70.7 और HDFC बैंक का पी रेशियो है 26.2। अब मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो HUL के पी रेशियो से कम है, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है या एक सस्ता स्टॉक है? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? जी नहीं, ये एक गलत कंपैरिजन होगा। ये होता है एप्पल्स और ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन। हमें करना है एप्पल्स टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन। देखिए, रिलायंस एक इंटीग्रेटेड गैस एंड ऑयल कंपनी है, जबकि HUL तो एक FMCG कंपनी है। दोनों कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, दोनों के रेवेन्यू मार्जिन्स अलग हैं, दोनों को चलने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं वो भी अलग है। तो इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करके आपको एक वैलिड कंक्लूजन नहीं मिलने वाला, एंड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो जब कभी भी आप पी रेशियो स्टॉक एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, तो रूल नंबर 1, आपको सेम सेक्टर के कंपनीज को ही कंपेयर करना है, एप्पल्स टू एप्पल्स, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस टू इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, FMCG टू FMCG। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंपेयर करना है, तो आपको इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी से ही कंपैरिजन करना है। तो आइए वही करते हैं। रिलायंस के दो सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL। स्क्रीन पर आप इन तीनों कंपनीज के करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग्स पर शेयर, सेक्टर पी और पी रेशियोज देख सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस है 2086 रुपीस, BPCL का प्राइस है 467 रुपीस और HPCL का करंट मार्केट प्राइस है 297 रुपीस। तो प्राइस वाइज अगर आप देखने जाएं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे एक्सपेंसिव लगता है। अब देखिए, कोई चीज महंगी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो उतनी ही कमाई करके दे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब अर्निंग्स पर शेयर पे ध्यान देंगे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अर्निंग पर शेयर है 77.50 रुपीस, BPCL का 74.50 और HPCL का 73.2। तो अगर अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से देखेंगे, तो तीनों कंपनीज के अर्निंग्स पर शेयर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है।
अब बात करते हैं उनके पी रेशो पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी रेशो है 27, बीपीसीएल का पी रेशो है 8.19, जबकि एचपीसीएल का पी रेशो है 3.95। अब आप पी रेशो के हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अपने कंपेटिटर्स से भी 4 या 5 गुना ज्यादा वैल्यूड कंपनी है, या ओवर प्राइस या महंगी कंपनी है। और अगर हम पी रेशो का दूसरा इंटरप्रिटेशन देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपका कॉस्ट प्राइस वापस लेने के लिए आपको 27 साल लगेंगे, जबकि एचपीसीएल आपका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 3.95 यानी लगभग 4 साल में ही आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रूली एक ओवरप्राइस स्टॉक तो लग ही रहा है। लेकिन यहीं पे आपका एनालिसिस खत्म नहीं होता, आपको सेक्टर पी पे भी ध्यान देना है। इन तीनों कंपनी सेम सेक्टर को बिलोंग करते हैं, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, जिसका सेक्टर पी रेशियो है 6.35। अब ध्यान दीजिए, एचपीसीएल उसके सेक्टर पी रेशियो से कम है, तो इट इज एन अंडर प्राइस स्टॉक, जबकि रिलायंस सेक्टर पी से लगभग 4 गुना ज्यादा है, तो रिलायंस 4 गुना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। और जो आपका बीपीसीएल है वो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड, हम कह सकते हैं वेरी स्लाइटली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो ऐसे करते हो आप इस्तेमाल पी रेशियो का स्टॉक एनालिसिस में। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो ज्यादा है तो वो खराब ही है, और किसी का पी रेशियो कम है तो वो अच्छा ही है। लो पी एंड हाई पी रेशियो के कई कारण हो सकते हैं। आइए देखते हैं लो पी रेशियो के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। अगर पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ ही स्लो है तो आपको उस कंपनी का पी रेशियो भी कम ही नजर आएगा। दूसरा, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, तो भी उसका पी रेशियो आपको कम ही नजर आएगा। लो पी रेशियो का तीसरा मेन रीजन हो सकता है हाई डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि पी रेशियो का एक मेन लिमिटेशन भी है, जो मैं थोड़ी ही देर में कवर करूंगी। लो पी रेशियो का चौथा रीजन हो सकता है वीक या पुअर ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। और लो पी रेशियो का पांचवा रीजन हो सकता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसी तरह से हाई पी रेशियो के भी कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज्यादा हैं तो उसका पी रेशियो भी आपको बढ़कर ही दिखाई देगा। दूसरा, अगर एक कंपनी का ईपीएस दिन बाय दिन घट रहा है, याद कीजिए पी रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो ईपीएस है, तो अगर आपका ईपीएस कंसिस्टेंटली गिर रहा है तो भी आपको पी रेशियो हाई नजर आ सकता है और आप उस वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पी रेशियो एनालाइज करते हैं तो उसके ईपीएस की कंसिस्टेंसी को भी ध्यान दीजिए। ईपीएस का ट्रेंड क्या है, इज इट मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, या डाउनवर्ड्स नीचे जा रहा है। और हाई पी रेशियो का तीसरा रीजन हो सकता है कि उस कंपनी के पास इकोनॉमिक मोट हो, यानी कि हाई बैरियर्स टू एंट्री, सेटअप करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, एटसेट्रा। पी रेशियो वैसे तो इन्वेस्टर्स का काफी चहेता रेशियो है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए देखते हैं पी रेशियो के दो सबसे बड़े लिमिटेशंस। पी रेशियो का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पर शेयर पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है। वो एक कंपनी के बाकी की फाइनेंशियल्स, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे कंसिडर ही नहीं करता है, और इससे इन्वेस्टर्स मिसलीड हो सकते हैं। कई बार इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि क्योंकि एक स्टॉक का पी रेशियो उसके सेक्टर पी रेशियो से कम है, इसीलिए वो स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन ये सही कंक्लूजन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का पी रेशियो है 30.5, उसके सेक्टर का पी रेशियो है 32.1। अब ये देखकर आप सोचेंगे कि सेक्टर पी से तो कम है, यानी कि टाटा कम्युनिकेशंस एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ध्यान दीजिए, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो 98.7 है। इसका मतलब है कि हर एक रुपए के इक्विटी के पीछे उसके ऊपर 98.7 रुपए का डेट, यानी कि कर्ज है। इसे हम डेट ट्रैप कहते हैं। तो जब भी आप पी रेशियो को एनालाइज करें तो उसके डेट टू इक्विटी रेशियो को एनालाइज करना ना भूलें, वो काफी जरूरी है। पी रेशियो का दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि पीजी रेशियो ईपीएस के ग्रोथ रेट पे कोई कमेंट ही नहीं करता। देखिए, एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी को एक हाई पीई पे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना?
तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ रेट क्या है? यूजिंग प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, यानी कि पीईजी रेशियो। अगर किसी स्टॉक का पीईजी रेशियो उसके स्टॉक ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवरवैल्यूड है, और अगर एक स्टॉक का पीईजी रेशियो उसके स्टॉक ग्रोथ रेट से कम है तो वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है। आइडियली अगर किसी स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 या 0.5 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, और अगर किसी स्टॉक का पीईजी रेशियो 2 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो सकता है। लिमिटेशंस के बावजूद पीई रेशियो आज भी स्टॉक एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर रेशियो है। आप जब भी पीई रेशियो का उपयोग करें तो डेट टू एक्विटी रेशियो या बाकी की फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करना ना भूलें। ये तो था पीई रेशियो का बेसिक्स। अगर आपको जानना है कि आप पीई रेशियो को यूज करके अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं तो मेरे कलीग अपूर्व सेठ ने इस पे एक सुपर वीडियो बना रखा है जिसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है तो इसे शेयर कीजिए, और सैमको सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वो बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।